ये जड़ चैतन्य में संसार क्या है इसका बोध, ये भगवत ज्ञान है। या सबसे पहले परहेज की बात की, उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना है, नहीं संभाषण करना है, साधन संबंधी व्यवहार संबंधी तो कीजिए, अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलना। पूज्य श्री गुरु जी के इस प्रवचन में बताई गई बातें अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वो हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करेगा और भगवान के चरणों में उसे महान पद की प्राप्ति होगी। श्री गुरु जी का ये प्रवचन मनुष्य को कामयाबी हासिल करने का मार्ग देता है, तो प्रेम से सुने इस प्रवचन को और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही स्थूल शरीर की आसक्ति नष्ट होने लगती है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। भगवत ज्ञान का स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध, भगवान की महिमा का बोध, ये जड़ चैतन्य में संसार क्या है इसका बोध, ये भगवत ज्ञान है। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे आपके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकाशित होगा। प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा प्रभु हमारे आत्मस्वरूप है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप आत्मस्वरूप आराध्य देव में इतनी आसक्ति, लोक लोकांतर का कोई भी भोग हमें बांध ही न पावे, आसक्ति न पैदा कर पावे, इच्छा न पैदा कर पावे कोई भी भोग, उसे वैराग्य। आसपास सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं। ये कहां से आया? नाम जप से। भगवत ज्ञान कहां से आया? नाम जप से। ये वैराग्य कहां से आया? बोले नाम जप से। भक्ति का जो पूर्ण अनुभव वो प्रेम है, ऐसा प्रेम आराध्य देव से प्रकट होता है, भजन करना नहीं पड़ता, फिर रोम रोम रग रग हर नस नाड़ी, ये जड़ वस्तुएं हैं, इनमें निकलने लगता है राधा राधा राधा। ये प्रेम प्रकट हुआ नाम में, नाम ही में, हृदय में कोई कामना। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं का विनाश, जो आवश्यकता है उनमें से करके कामनाओं को शांत कर देगा नाम, और ऐसा भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट होगा जो किसी अन्य साधन से होता ही नहीं है। बस हमारी नाम में मात्र बुद्धि हो जाए, जब तक प्रभु की विशुद्ध कृपा का अनुभव नहीं होता तब तक नाम में प्रीति नहीं होती, नाम जपने की इच्छा नहीं। बहुत से साधन, आप ज्यादा ऐसे महापुरुषों से नहीं मिले होंगे पर भ्रमण के समय देखा है, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं, एक बार भी रामकृष्ण हरि कोई नाम नहीं, बस वही ये योग ये बात वो दिव्यता वो कुंडलनी ये चक्र का भेदन। चाहे जितने बड़े साधक हो, जब तृप्ति की तरफ तुम्हारी मांग होगी तब आपके हृदय में गुरु कृपा से बात आ जाएगी कि बस अब एकमात्र भगवान नाम में प्रीति। जितने भी महापुरुष हुए सब ने नाम के द्वारा उस दिव्य ऊंचाई को प्राप्त किया जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होती। पहले बात तो अपने हृदय में समझिए आप कि नाम से बढ़कर के कोई तपस्या साधन दान पुण्य तीर्थ स्नान कोई भी इसकी बराबरी नहीं। प्रायः प्रश्न रहता है नाम में रुचि नहीं होती, प्रायः अपने लोग भी साधक जन भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें नाम में प्रेम हो जाए। नाम सब कुछ है, ये बहुत हृदय की बात कहते हैं, साधन पक्ष को भी देख करके नाम के बराबर कोई नहीं। किसी भी ऐसे साधक से ना मिला जाए जिसके नाम में श्रद्धा विश्वास और रुचि नहीं है। या सबसे पहले परहेज की बात की, उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। हमें ऐसे मनुष्य से, साधक से, ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना है, नहीं संभाषण करना है साधन संबंधी व्यवहार संबंधी तो कीजिए, अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलना। परमार्थ हमारा हृदय का विषय है, इस पर किसी की सलाह नहीं चाहिए, इस पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के प्रमाण से चला जाता है। जिसने नाम जप
में प्रीति नहीं की, नाम जप का अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों से परमार्थ संबंधी वार्ता नहीं करनी, यदि आप नाम प्रेमी होना चाहते हैं तो। और किसी भी अन्य साधक या साधन का हमें तिरस्कार नहीं करना, निंदा नहीं करनी किसी साधन की या किसी साधक की। बस तुम्हें दृढ़ विश्वास कर लेना है ये औषधि है, वो परहेज है। दृढ़ विश्वास कर लेना है कि ये जो नाम मिला है इसी से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शब्द याद रख, विश्वास कर लो, महापुरुष जन कर विश्वास। इसलिए बार बार विश्वास शब्द कहा जाता है कि जो बहुत वर्षों की साधना में अनुभव होता है वो तुम विश्वास कर लोगे तो अभी से चल पड़ोगे। संत संग में बिल्कुल सीधे घी मिलता है, गाय बांधो फिर उसको खवा पिला के फिर दूध निकालो फिर दही जमाओ फिर मथो फिर मक्खन निकालो फिर उसको घी रूप में सराओ, ये सब महापुरुष जनों ने किया है। अपने को सीधे वो घी दे रहे हैं, वहां तुम्हें दूध दोहने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गाय बांधने की वो प्रक्रिया की बात, अर्थात साधन की जरूरत, सीधे घी। उन्होंने मेहनत करके तपस्या करके अनुभव करके सार बात, तुम ऐसा विश्वास करो कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं और इसी से सब कुछ हो जाएगा। कर्मयोग और भी उपासनाएं, ज्ञान योग और वेद के सिद्धांत सब बढ़िया है, करो, सबको प्रणाम करते हैं, पर मोही तो सावन के अंधे जो सूजत रंग हरो। हमारी दशा तो ये है, गोस्वामी जी कह रहे जैसे सावन का अंधा हो जाए, सावन में अंधा हुआ तो उसे 12 महीना हरा ही चिंतन में आएगा क्योंकि हरा देख के ही अंधा हुआ था। गोस्वामी जी कह रहे अब हमारी पूरी दृष्टि केवल नाम में है, कोई साधना उपासना ज्ञान वेद मत, बढ़िया है सब, पढ़े करो सब अच्छे करो भाई, जिसकी जो सो हो सुमिरत नाम सुधारस। बहुत साधन करके देखा पर उनसे ऐसी अनुभूति हुई जैसे श्वान पत्तल चाट कर कभी तृप्ति को अनुभव नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कैसे कहते हैं, मेरे हृदय को कभी ऐसा विश्राम नहीं, पर आज गुरु कृपा से नाम में प्रीति हो गई तो इस नाम रूपी अमृत से ऐसा अनुभव किया कि अब पातर नहीं चाट रहे, अब तो पूरा का पूरा भोग हमारे सामने, रूप का रसास्वादन, लीला का रसास्वादन, ये अमृत। अरे हमारे तो हृदय पत्थर में, हृदय थोड़ी है, अगर पत्थर में भी नाम लिख दिया तो तैर गया वो हनुमान जी महाराज। ये महान प्रेमामृत है, सबको तृप्त कर देगा नाम, बिल्कुल किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, पर नाम हमारे हृदय में एक छत्र अधिकार पाले, ये हमारा विषय होगा। हमें नाम को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर तिलक करना होगा कि आप हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर, राधा नाम का राज्य है, अब किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। जैसे माँ प्रभु के रसना कटो जो अन रटो, जैसे बच्चा माँ की ही दुग्ध से पोषित होता है, पिता के दुलार से पुष्ट होता है, ऐसे ये दो अक्षर हमारे माई बाप की तरह हमें पुष्ट कर रहे, हमें हर समय प्रसन्न कर रहे, राधा। फिर वही बात हमारे से निकलती, कैसे तुम्हें बताएं राधा, अभी तो जपो आगे तुम्हें पता खुद चल जाएगा। राधा और राधा इतना अंतर नहीं है, समझ पा रहे हो, किशोरी जू में राधा नाम, इतना अंतर नहीं, रो रो सामने स्वामी, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये अभेद है। मतलब राधा निकल रहा तो स्वामिनी जो है, जिभ्या में नाम रूप से, मानस पटल में रूप, मान लो, बस मान लो। पूज्य श्री गुरु जी के इस सुंदर प्रवचन से अवश्य ही आपको अपार आनंद मिला होगा। आप इस प्रवचन से मिले आनंद और ज्ञान को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। हम सबको प्रभु भक्ति का सुंदर ज्ञान श्री गुरु जी के मुखारविंद से ऐसे ही मिलता रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, भगवान से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।